हे गाइस, वेलकम बैक टू वी आर फैमिली ब्लॉग्स। सो गाइस, सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने। गाइस, तो फटाफट कर लेती हूँ पूजा। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब आप समझ लो कि पूरा 5 बजे से बारिश जो होना चालू हुई है अभी तक बारिश हो रही है। भयंकर बारिश हुई है आज। 2-3 दिन से बिल्कुल धूप निकल रही थी और आज बिल्कुल धूप नहीं निकली, सिर्फ बारिश हो रही है। तो एकदम रोड पे इतना गीला गीला हो गया है, अजीब लगता है ना देख कर, कीचड़ कीचड़। तो गाइज़, फट से कर लेती हूँ मैं अपने भगवान जी की पूजा। सो गाइज़, आप सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई। और अपने अपने गुरु के लिए प्लीज़ आप लोग इतना प्रे करें कि वो हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। सो फट से कर लेती हूँ मैं पूजा भगवान जी की, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइज, हो गई है मेरी पूजा। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ क्या हो रहा है, यू क्या कर रहा है। यू, आप क्या कर रहे हो बेटो? आप क्या कर रहे हो युवन? तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ चिनू के लिए टिफ़िन लेकर के शोरूम, क्योंकि चिनू आए नहीं हैं और भूखे भी हैं। तो मैं फटाफट जाती हूँ, उनको खाना बना लिया था मैंने, फट से पैक कर लिया था, मैं लेके जा रही हूँ। तो गाइज, आज कितना पानी गिरा है कि सब दूर पानी पानी भरा हुआ। तो युवू नानी और पलक दीदी जा रहे हैं घूमने के लिए पार्क। तो ये चले युवू, बाय बाय युवन। हाँ बाय। छाता भी रख लेना। हाँ, छाता रखा, छाता रख। हाँ, इधर ला उसको, इधर ला रोड पे से पहले। छाता भी उसके नीचे वहाँ पे रख ले। तो यूएन के शूज रखे हुए, यूएन की वाटर बॉटल रखी हुई है, अब छाता भी रख लेंगे। तो गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं। आज जिया की जल्दी छुट्टी कर दी है, जिया पार्टी दे रही है। हाँ, आज जिया से हम पार्टी मांग रहे हैं, पर जिया मना कर रही है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे पास जिया की बर्थडे की पार्टी हम पहले से ही ले रहे हैं, ताकि जब जब बर्थडे आएगा तब तक वो सारे पैसे खर्च कर चुकी होगी। तो इससे पहले ही हम ले लें पार्टी, पर हमको देने से मना कर रही है 4-5 दिन पहले से ही। हाँ, बोल रही पैसे ही नहीं है, आप दे दो। फिर जिया करके जुगाड़। अरे करके जुगाड़, तो तेरा अगले साल बर्थडे चला जाएगा, अगले बर्थडे आ जाएगा। वो तो आपको, आपको तो रेंज में चाहिए। नहीं नहीं, हम तो आज ले लेंगे। हाँ, हम तो आज ही ले रहे हैं, इसलिए हमने छुट्टी जल्दी करवाई। मुझे पता ही नहीं था आज पार्टी देना। देखा, मना कर दिया इसने। मना नहीं करा, पोस्टपोन। यो, मैं तो जिया पार्टी नहीं दे रही बेटा। मैंने तो पोस्टपोन का बोला है थोड़ा टाइम। यो, बोलो जिया बुआ पार्टी दो, ऐसे पैर नहीं मारते। बोलो बोलो उसको अपनी पार्टी है, वो बोल रहा पार्टी है। पार्टी दो बोलो, बोलो पार्टी दो। हाँ, नीचे आ जा धरती पे। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ जिया पार्टी देने वाली है, डिसाइड करके फिर आपको बताते हैं आगे। तो गाइज, आधा व्लॉग कल शूट हुआ था और आधा व्लॉग आज शूट होगा। तो आज है सावन सोमवार का पहला सोमवार, तो आज शिव जी की पूजा करते हैं सभी लोग। हम लोगों ने भी किए। यू, आपने किए? युवन ने तो नहीं की है, युवन ने तो नहाई नहाई भी अभी तक नहीं की, क्योंकि उसको कोल्ड हो रखा है, तो वो नहीं नहाया अभी तक। भागो 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 युवन, भागो। मैं आपका वीडियो शूट कर रही हूँ ना बेबी, अब भागो। ये तो हम लोग जा रहे हैं युवू को डॉक्टर के पास लेकर के। बीच में युवू को हल्का सा कफ हुआ था चेस्ट में, तो वो ठीक हो गया था। और युवू ने 3 दिन सनरूफ में यहाँ खड़े होकर के जिद करके खड़ा हुआ वो सनरूफ में, और कोल्ड कर लिया। ये देखो, कोल्ड हो गया। सो अभी डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे और हम ठीक होकर आ जाएंगे, है ना युवन? हाँ, तो हम लोग बस निकल रहे हैं। ये तो हम पहुँच गए इस क्लिनिक पर। यू कर रहा है जंप, यस। तो गाइज, मैंने आज घर पे ही बनाए हैं आटे के समोसे, जो कि चीनू और मुझे बहुत पसंद। बेचारी मम्मी खा नहीं सकती, तो मुंह ताक रही है मेरा ऐसा करके। नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। सो फटाफट खा लेती हूँ मैं, ये ठंडे हों उसके पहले। तो गाइज, हम आ गए हैं शोरूम पे चीनू का खाना लेकर के।
और चीनू अभी बहुत देर बाद युवो को देखा ना उन्होंने, तो खाना छोड़ के पहले युवो के साथ खेल खेल रहे हैं, देखो बैठ करके। क्या कर रहे हैं युवो आप? ये खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेबी खेल लो मॉन्स्टर कार से। ओके खेल लो युवो, खेल लो आप। चीनू एक बैड न्यूज है। बैड नहीं, गुड न्यूज है। क्यों गुड, कैसे हुई? बैड न्यूज है, सुनाओ। तुम्हें पता है क्या जो मैं सुनाने वाली हूँ? क्यों बोल रहे हो फिर गुड न्यूज है? ऐसा बोलता हूँ मैं तो, नहीं मालूम है ना। तो गाइज आप लोगों को भी बताना था और चीनू को भी बताना था, इसलिए मैंने सोचा साथ में ही बता दूँ। तो हमारे जो शादी के वीडियोस फोटोज थे सब खत्म, डिलीट हो गए, नहीं मिल रहे उनको, और उन्होंने बोला सब खत्म हो गए हैं। सो कब बताया उन्होंने तुमको? उन्होंने मुझे आज दिन में बताया। तुम मुझे अब बता रही? हाँ, तो मैंने सोचा जब तुम फ्री होकर के आओगे तभी तुमको बताऊंगी मैं। खत्म। तो गाइज हमारे जो शादी के वीडियोस थे जो आप लोग इतने टाइम से देखना चाह रहे थे और मैं आपको बोल रही थी कि बस आने वाले हैं, सो आज फोटोग्राफर ने मुझे दिन में बताया है कि वो 5 साल पुरानी बात है, तो हमारे उसमें से सब डिलीट हो गया है, कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, 2 दिन लगा दिए ढूंढने में, पर नहीं मिले। तो अपनी शादी का प्रूफ ख़त्म हो गया? अरे शादी का प्रूफ की तुम्हें पड़ी है, शादी की मेमोरीज ख़त्म हो गई पूरी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना वो अपने सुप्रत ही रखना चाहिए, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग तो क्या एक दूसरे पे ढोलेंगे बातें, नुकसान तो अपना हो गया ना, उनका थोड़ी ना कुछ जा रहा है। मतलब आप बताओ उनका क्या चले जाएगा? कुछ भी नहीं, बच गया और किसी और का कुछ ना, बच गया बच गया और जाने से। तो आप लोगों की जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग खुद करवाओ और खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये सही रहता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही, पर यार चीनू ये तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि घर वाले ही करते हैं। आप अपनी शादी में थोड़ी ना सब चीजें करोगे, ये तो घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ वो बात अलग है कि जब वो नहीं उठा पा रहे थे तो उनको अपने को बता देना चाहिए था कि आप खुद जा करके ये लो नंबर और जो लेन देन है वो कर लो और अपने वीडियोज फोटोज ले आओ, सही है ना। तो उनसे ये भी नहीं हो पाया है। ठीक है, दुख अपने को हो रहा है क्योंकि अपने फोटोज थे। हाँ। जीवन भर की अपना बच्चा देखता बड़ा होकर अपने जो भी यार बाबा, अपने हर चीज लाइफ में पॉजिटिवली हमने हर चीज को एक्सेप्ट किया है, इसलिए भगवान हमको पॉजिटिविटी देते हैं लाइफ में और खुश रखते हैं, बस इसका मेन वही खुशी वही रहती है, बाकी इन सब चीजों का तो क्या है, आदमी तो कल को पड़ा रहता कभी कदार देखते, पर ठीक है। एक बस ये है कि मेमोरी थी, कल को बच्चा खोल देखता कि मम्मा पापा केयरलेस, एक केयरलेस किसको बोलते हैं उसका एग्जांपल है, बहुत अच्छी। छोड़ो बाबा दुखी मत हो, कोई बात नहीं, अपनी तो बहुत सारी मेमोरीज अपन बना रहे हैं। नहीं नहीं मैं दुखी नहीं हो रही हूँ, जीवन में बहुत झटके खाए हैं, एक झटका और सही झटके खा करके ही बड़े हुए, झटके खा कर बुढ़े भी हो जाएंगे। कोई इससे क्या अपने को आगे लाइफ के लिए पता चलता है, अभी तो अपनी जो एज हुई अपने को आगे के लिए पता चलता है कि किस पे अपने को कितना भरोसा करना है, किसकी कितनी है। पर एक चीज चीनू आप कुछ भी बोलो, एक चीज देखी है मैंने कि जो लोग चुप रहते हैं, जो लोग हर चीज नहीं बोलते है ना, उन लोगों का लोग फायदा उठाते हैं। सहन करने वालों के साथ गलत होता है। हाँ, और जो लोग मुंह फट होते हैं, जो बोल देते हैं, उनके काम आगे से आगे होते हैं, चाहे वो 10 बार काम करने पड़े, एक काम को 10 बार करने पड़े। हाँ। तो भी उनके काम पर अपन उन लोगों जैसे बन भी नहीं सकते। नहीं, हमको बनना भी नहीं है। हाँ। क्योंकि अपने जो को जितना मिले खुशी से मिले, नहीं तो ना मिले वो चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस गए तो क्या हो गया। अब बुर्ज क्या, बुर्ज खलीफा पे होगी शादी। हाँ। गेस्ट हमारे साथ ही बैठे हैं, इनको लेकर के जाएंगे हम। ये लॉयल गेस्ट है हमारा, बहुत लॉयल गेस्ट है हमारा। जुबी डुबी है, जुबी डुबी, जुबी डुबी, जुबी डुबी, जुबी डुबी। प्यारूजा हमारा गेस्ट आएगा। मम्मा पापा की शादी नहीं अटेंड करी थी ना, अब अटेंड करेगा मम्मा पापा की शादी बुर्ज खलीफा पे। आपको ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है आपको बच्चू? अब हम आपको शादी के वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे। कोई बात, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा।
बड़े बड़े घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, अपने साथ ही होती है। सिर्फ हम लोगों के साथ ही होती है। बुड्ढो आपको लेके चलेंगे ना बुर्ज खलीफा? हाँ बेबी। हाँ जाना है बुर्ज खलीफा? नहीं जाना मुझे। ओके बेटा। तो गाइस ऐसे ही निकला पूरा दिन आज का, खुशी 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 खुशी। ठीक है गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय गुड नाइट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। सलाम नमस्ते जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।